हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सब ग्रुप से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो आपको रिजल्ट दे रखा है उसकी स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। तो स्टूडेंट, स्टेटमेंट है आपकी, अनेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ अ ग्रुप जी टू बी अ सब ग्रुप इज दैट एच एच इनवर्स इज इक्वल्स टू एच। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आपको एच क्या दे रखा है, सबसे पहले तो एच आपको एक नॉन एम्प्टी सबसेट दे रखा है। उसके लिए आपको नेसेसरी और सफिशियंट कंडीशन क्या प्रूव करके दिखानी है कि एक नॉन एम्प्टी सबसेट किसी ग्रुप का अगर आपके पास एग्जिस्ट करता है तो वो सब ग्रुप कब बनेगा, जब आपका एच एच इनवर्स इज इक्वल्स टू एच, मतलब आपका सब ग्रुप का इनवर्स और वो दोनों कंपोज करके किसके इक्वल आए, सब ग्रुप के ही इक्वल अगर आ जाता है तो आपका जो नॉन एम्प्टी सबसेट है वो क्या बन जाता है स्टूडेंट, आपका सब ग्रुप हो जाता है। तो स्टूडेंट, क्योंकि नेसेसरी और सफिशियंट कंडीशन है, मतलब अगर आप नॉन एम्प्टी सबसेट एच लेके चलोगे किसी ग्रुप जी का, तो आप यहाँ पे क्या प्रूव करके दिखाओगे। और सॉरी स्टूडेंट, अगर आप एक सब ग्रुप लेके चलते हो किसी को, एच को अगर आप सब ग्रुप लेके चलते हो, तो आपकी ये कंडीशन हमेशा क्या होगी, ट्रू होगी कि एच एच इनवर्स इज इक्वल्स टू एच के इक्वल आने वाला है। अच्छा स्टूडेंट, अगर फिर आप नॉन एम्प्टी सबसेट लेके चलते हो एच को और आप मान के चलते हो कि ये वाली कंडीशन आपकी ट्रू है, तो वहां पे उस केस में आप एच को क्या प्रूव करके दिखाओगे, सब ग्रुप प्रूव करके दिखाओगे। तो स्टूडेंट, हम जो है बारी बारी एक एक कंडीशन को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम कौन सी कंडीशन लेके चल रहे हैं कि आप एच को सब ग्रुप लेके चलोगे और आप प्रूव करके दिखाओगे कि एच एच इनवर्स इज इक्वल्स टू एच आएगा। फिर आप सफिशियंट कंडीशन प्रूव करके दिखाओगे, तो वहां पे आप दिखाएंगे कि एच एच इनवर्स अगर एच के इक्वल है और एच आपका नॉन एम्प्टी सबसेट है जी का, तो आप एच को सब ग्रुप प्रूव करके दिखाएंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम पहली वाली कंडीशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, आपकी नेसेसरी कंडीशन क्या है, सपोज एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, हमने मान लिया कि एच आपका सब ग्रुप है। तो स्टूडेंट, अब हम आगे का चलते हैं इसके अंदर। अब हमने क्या करा कि अगर आपका एच आपका सब ग्रुप है तो लेट हम लेके चलते हैं ए बी इनवर्स, ए बी इनवर्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, ये आपका कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, किसमें, आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ एच एच इनवर्स। अब स्टूडेंट, क्योंकि आपको एच एच इनवर्स को किसके इक्वल प्रूव करके दिखाना है, एच के प्रूव करके दिखाना है, एच जो आपका सब ग्रुप है। तो स्टूडेंट, अब हमने क्या करा, एक एलिमेंट आपका कंसिडर कर लिया एच एच इनवर्स में से, सच दैट आप ये लिख सकते हो यहाँ पे, ये आपको सारा यहां से करके दिखाना है, सच दैट आप यहाँ पे लिख के दिखा रहे हैं कि ए बी इनवर्स किसको बिलोंग करता है। हमने कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया है, तो ये ए बी इनवर्स आपने एच एच इनवर्स का कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट यहाँ पे ले लिया है। अच्छा स्टूडेंट, ये हो चुका है। अब उसके बाद आप क्या कहते हो कि ये चीज यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान रखनी कि जो एच इनवर्स है ये किस तरह का, मतलब जो सेट है जो आपने एच के साथ में एच इनवर्स को कंपोज कर रखा है, इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे और इसके एलिमेंट्स की कंपोजिशन क्या होगी, या फिर ये कलेक्शन कैसा होगा, किस तरह के एलिमेंट्स इसके अंदर एग्जिस्ट करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट। क्योंकि एच इनवर्स क्या है, एच का इनवर्स है, मतलब जो सब ग्रुप आपको एच दे रखा है उसका इनवर्स है। तो स्टूडेंट, इसमें क्या होगा, एच इनवर्स का मतलब क्या है कि आपने जो आपका सब ग्रुप एच है उसके एलिमेंट्स के इनवर्स का एक कलेक्शन लिखा है एच इनवर्स, यानी कि एच के जो एलिमेंट्स हैं उनका अगर हम इनवर्स करते हैं तो वो कहाँ पे जाके इकट्ठा होता है, एच इनवर्स के अंदर इकट्ठा होता है। अच्छा स्टूडेंट, आपको पता है कि एच आपका सब ग्रुप है और सब ग्रुप के अंदर क्या होता है कि कोई अलग एलिमेंट अगर एग्जिस्ट करता है तो उसका इनवर्स जब हम करते हैं तो वो भी एच में एग्जिस्ट करता है। यानी कि अगर मैं बात करूं एच इनवर्स के एलिमेंट्स की, तो वो कैसे होंगे, जो आपका एच सब ग्रुप है उसके सभी एलिमेंट्स के इनवर्स का ये कलेक्शन होगा। और स्टूडेंट, इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो वापस से किसको बिलोंग करेंगे, आपका एच को ही बिलोंग करेंगे, क्योंकि एक सब ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उसका जो इनवर्स होता है वो भी वापस किस में बिलोंग करता है, एच में ही बिलोंग करता है। तो स्टूडेंट, यहां से आप क्या लिख सकते हैं, इंप्लाई होगा कि ए एच को बिलोंग करता है एंड बी जो है वो भी किसको बिलोंग करता है, आपका एच को बिलोंग करता है। तो स्टूडेंट, अब यहां से आप क्या लिख सकते हो कि अगर ए एच को बिलोंग कर रहा है और बी बी एच को बिलोंग कर रहा है, तो स्टूडेंट यहां से आप क्या लिख सकते हो कि जो बी का इनवर्स है वो किसको बिलोंग करेगा, स्टूडेंट एच को ही बिलोंग करेगा। क्योंकि अगर कोई एलिमेंट आप एच में लेके चल रहे हैं, और ये आप कह सकते हैं क्योंकि जो एच इनवर्स के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो कहाँ पे होंगे, एच इनवर्स के एलिमेंट्स कैसे होंगे, जो आपका सब ग्रुप है उसके एलिमेंट्स का इनवर्स होगा। और आप ये जानते हैं कि सब ग्रुप के जो एलिमेंट्स का इनवर्स होता है वो सब ग्रुप में ही लाई करता है, कि इनवर्स आपका एग्जिस्ट करता है सब ग्रुप में बिलोंग करता है। तो इसका मतलब अगर इसका कोई एलिमेंट आप लेके भी चलते हैं तो वो किसको बिलोंग करेगा, स्टूडेंट एच को ही बिलोंग करेगा। तो हमने नेक्स्ट क्या लिख के दिखाया कि जो बी इनवर्स है वो स्टूडेंट किसको बिलोंग करता है, आपको एच को ही बिलोंग करेगा। क्योंकि अगर आप सब ग्रुप का कोई भी एलिमेंट लेके चलते हो तो उसका इनवर्स किसको बिलोंग करता है, एच को ही बिलोंग करता है, मतलब अपने जो सब जो अपना ग्रुप होता है उसी को ही बिलोंग करता है, क्योंकि सब ग्रुप ग्रुप की सारी कंडीशंस को फुलफिल करता है।
उसमें एक इन्वर्स की कंडीशन भी होती है। तो अब स्टूडेंट आपने यहाँ से ये इम्प्लाई कर लिया, आपको एच इनवर्स के जो एलिमेंट्स का कलेक्शन भी समझ में आ गया कि उसके एलिमेंट्स किस तरह के होंगे, कहाँ से आएंगे और किस सेट को वो आगे बिलोंग करने वाले हैं। तो स्टूडेंट ए एच को बिलोंग करता है एंड बी एन इनवर्स जो है वो भी एच को बिलोंग करता है। अच्छा स्टूडेंट, अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, क्योंकि एच आपका सब ग्रुप है तो यहाँ से क्या होगा, जो क्लोजर प्रॉपर्टी है सब ग्रुप में एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब ए बी इनवर्स किसको बिलोंग करेगा, एच को बिलोंग करेगा। यहाँ पे स्टूडेंट आप रीजन भी दे सकते हो कि एच इज अ सब ग्रुप, यहाँ पे मैंने इसका रीजन भी दे दिया। अच्छा स्टूडेंट, अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि आपने एक एलिमेंट लिया था, दस आप ये लिख सकते हो कि आपने एक एलिमेंट लिया था ए बी इनवर्स किस में से, एच एच इनवर्स में से, और अब आपने उसको किस में बिलोंग करा दिया, इंप्लाई क्या कर गया यहाँ से कि ए बी इनवर्स किसको बिलोंग करता है, एच को बिलोंग करता है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो स्टूडेंट कि एच एच इनवर्स, एक एलिमेंट आपने इस सेट में से लिया था और वो अब इस सेट को बिलोंग करता है, इसका मतलब ये सेट जो है इसमें कंटेन होगा। तो एच एच इनवर्स किस में कंटेन होगा, एच में। ये तो हो गई स्टूडेंट आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट। स्टूडेंट यहाँ पे जो मैंने इनवर्स वाली जो कंडीशन बताई है ना, जो एच एच इनवर्स के लिए बताई है कि एच इनवर्स के एलिमेंट्स का कलेक्शन कैसा होगा, ये बहुत जरूरी है समझ में आना। अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो फिर आपको थ्योरम में समझने में कोई दिक्कत नहीं होती है। यहीं पे स्टूडेंट्स को जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेट एच बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ एच। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट हमें क्या करना होगा, एच में से कोई ना कोई एलिमेंट हम लेके चलेंगे और उसे वापस किस में बिलोंग कराएंगे, एच एच इनवर्स में कराएंगे। तो एच बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ एच, अब सब ग्रुप एच में से हमने कोई एक एलिमेंट चूज कर लिया है, तो ये आपने ले लिया एच में से कोई एलिमेंट। और अब स्टूडेंट आपको पता है क्योंकि एच जो एलिमेंट है वो इस सब ग्रुप एच को बिलोंग करता है, यहाँ से स्टूडेंट आप क्या लिख सकते हो, एच अगर एच को बिलोंग करता है और आइडेंटिटी आपकी सब ग्रुप में एग्जिस्ट करती है तो आइडेंटिटी किसको बिलोंग करेगी, एच को ही बिलोंग करेगी स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, आइडेंटिटी एच को बिलोंग करती है। नेक्स्ट अगर आप बोलते हैं कि अगर मैं आइडेंटिटी का इनवर्स लूंगी तो वो भी एच को, एच इनवर्स को बिलोंग करेगा। यहाँ पे भी स्टूडेंट आपने कुछ गलत नहीं लिखा है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं अपने एच इनवर्स कलेक्शन की, तो ये जो एच इनवर्स कलेक्शन होता है स्टूडेंट, ये कैसा होता है, ये जो आपका सब ग्रुप है एच उसके एलिमेंट्स का इनवर्स है। अब स्टूडेंट आप जानते हो जो इनवर्स आएगा, अगर मैं एच इनवर्स की बात करूं, एच इनवर्स जो आपका सेट है उसके अंदर क्या होगा, सारे एलिमेंट्स का इनवर्स होगा। और आपको पता है अगर हम इनवर्स करते हैं किसी सब ग्रुप के एलिमेंट का, वो अगेन उस सब ग्रुप को बिलोंग कर जाते हैं। तो एच इनवर्स की अगर हम बात करेंगे तो एच इनवर्स के एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे होंगे, एच में से ही आ रहे होंगे। तो अगर ई एच को बिलोंग करता है तो ई का इनवर्स हम लिख सकते हैं कि एच इनवर्स को बिलोंग करेगा, क्योंकि ये कैसा कलेक्शन है, इनवर्स एच जो सब ग्रुप है आपके उसके एलिमेंट्स का इनवर्स है। तो हम ये लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है कि ई इनवर्स किसको बिलोंग करेगा, एच इनवर्स को, क्योंकि एच इनवर्स में सभी एलिमेंट्स का इनवर्स है जो सब ग्रुप एच को बिलोंग करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट अब आपको अगर अब समझ में आ गई है तो हम आगे इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब हमने क्या लिखा कि अगर आपका जो एच ई इनवर्स है, अगर हम बात करते हैं किसकी, एच एच इनवर्स कलेक्शन की, तो इसके एलिमेंट्स कुछ ऐसे ही होंगे, यहाँ से तो आपने एच लिख लिया और यहाँ से क्या लिख लिया, जो आपने दूसरा एलिमेंट लिया उसका इनवर्स लिख लिया। तो ये इसके एलिमेंट्स की कंपोजिशन कुछ ऐसी ही होगी कि आपने सब ग्रुप का एलिमेंट लिख रखा है और दूसरा जो एलिमेंट लिख रखा हुआ किसी एक एलिमेंट का इनवर्स है। ये स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि एच एच इनवर्स के एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के होंगे। अब स्टूडेंट आपको पता है ई इनवर्स अगर आप करते हो तो आइडेंटिटी आने वाला, आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी, तो यहाँ से कितना बचने वाला है कंपोज करके एच, यानी कि एच किसको बिलोंग कर जाता है, एच एच इनवर्स को बिलोंग करता है। इसका मतलब स्टूडेंट अब यहाँ से आप क्या कह सकते हो, यहाँ से आप क्या कहेंगे कि आप लेके क्या चले थे, कि आपने लिया था कि एच किसको बिलोंग कर रहा था स्टूडेंट आपका, एच को बिलोंग कर रहा था। और अब इम्प्लाई क्या कर गया, आप ये लिख सकते हैं यहाँ से कि अब इम्प्लाई आपका क्या कर गया कि एच किसको बिलोंग कर रहा है, एच एच इनवर्स को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से आप देयरफॉर कह सकते हैं कि आपका जो कलेक्शन एच है, यहाँ स्टूडेंट आपको कैपिटल एच लिखना चाहिए, ये गलती से मैंने स्मॉल एच लिख लिया क्योंकि एच सब ग्रुप में से था। इसका मतलब एच जो आपका सब ग्रुप है वो किस में कंटेन हो जाएगा, एच एच इनवर्स कलेक्शन में कंटेन होगा। ये आपकी सेकंड स्टेटमेंट हो गई। अब स्टूडेंट आपको यही चाहिए था क्योंकि आपको इक्वालिटी प्रूव करनी थी, इक्वालिटी के लिए आपको यही चाहिए कि ए अगर कोई सेट है, अगर वो बी सेट में कंटेन है और बी सेट अगर ए सेट में कंटेन है, तो आप दो स्टेटमेंट वहां से कंक्लूजन क्या देती हैं आपको कि ए सेट किसके इक्वल है, बी सेट के इक्वल है। तो सेम हमने यहाँ पे भी ऐसे किया, तो फ्रॉम वन एंड टू वी हैव, तो यहाँ से स्टूडेंट आप क्या कह सकते हो, जो हमें प्रूव करना था कि एच अगर सब ग्रुप है तो वहां से आपने क्या प्रूव करके दिखाया कि एच एच इनवर्स किसके इक्वल आ जाता है, एच के। अब स्टूडेंट हमारी थ्योरम का एक हिस्सा प्रूव हो चुका है कि अगर आप सब ग्रुप लेके चलते हो तो ये कंडीशन होल्ड करती है। अब सफिशियंट कंडीशन में क्या दिखाओगे कि ये कंडीशन अगर होल्ड करती है और एच आपका नॉन एम्प्टी सबसेट है ग्रुप जी का, तो आप ये कह के दिखाएंगे कि जो एच है वो आपका सब ग्रुप किसका होगा, जी का स्टूडेंट। अब ये हमें शो करके दिखाना है।
अब स्टूडेंट हम आगे देख लेते हैं कंडीशन जो आपकी सफिशियंट कंडीशन है. सपोज दैट हम लेके क्या चल रहे हैं, एच एच इनवर्स किसके इक्वल एच के, और एच आपका सबसेट किसका है, जी का. तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने लिखा नहीं नॉन एम्प्टी, आप ये भी लिख सकते हैं कि नॉन एम्प्टी सबसेट है जी का. तो यहाँ पे अगर आप ऐसा यहाँ पे डाल भी सकते थे स्टूडेंट, अगर आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि नॉन एम्प्टी सबसेट है, क्योंकि थ्योरम में उसमें डिफाइन कर रखा है. तो मैंने इसको बार बार यहाँ पे यूज नहीं किया, लिखा नहीं. अब स्टूडेंट एच आपका कोई भी सबसेट है, नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, फोर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू एच. आपने कोई भी दो एलिमेंट्स लिए एच में से. अब हम स्टूडेंट जानते हैं कि वी हैव, अगर एक एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट का इनवर्स जो ये कंपोजिशन आती है, ये किसको बिलोंग करती है, एच, एच इनवर्स को बिलोंग करेगी, क्योंकि ये कलेक्शन कैसा है, इन जो एच जो सब ग्रुप है उसके एलिमेंट्स के इनवर्स का कलेक्शन है. तो यहाँ से ए बी इनवर्स किसको बिलोंग करेगा, इस कलेक्शन को बिलोंग करेगा. अब स्टूडेंट क्योंकि आपको पता है एच एच इनवर्स आपका किसके इक्वल है, एच के इक्वल है, इसका मतलब आप ये लिख सकते हो कि ए बी इनवर्स किसको बिलोंग कर गया, एच को, क्योंकि आपका एच एच इनवर्स किसके इक्वल था, एच के. तो अगर कोई कोई भी कंपोजिशन है, कोई भी एलिमेंट अगर इसको बिलोंग करता है तो वो डायरेक्टली इसको भी बिलोंग करेगा. दस अब यहां से स्टूडेंट आप क्या रीजन दोगे, यहां से आप ये कह सकते हो दस फोर, यानी कि अगर आप दो एलिमेंट्स के साथ ऐसा कर सकते हो, कोई भी जो आपने चूज किए थे, दस फोर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू एच, अगर आप कोई भी एच में से एलिमेंट लेके चलते वी हैव, तो सभी एलिमेंट्स के साथ आप ऐसा कर सकते थे, वी हैव ए बी इनवर्स बिलोंगिंग टू एच. और स्टूडेंट ये सब ग्रुप की कंडीशन फुलफिल होती है कि आपने एक एलिमेंट चूज किया और सेकेंड एलिमेंट का इन्वर्स किया, और जो कंपोजिशन है अगर अगेन एच को ही बिलोंग कर जाती है, ए बी इनवर्स जो कंपोजिशन आती है अगर वो एच को ही बिलोंग कर जाती है, तो यहां से स्टूडेंट आप क्या कह सकते हो, हैंस ये एच भी क्या हो जाता है, सब ग्रुप हो जाता है. ये भी स्टूडेंट हम एक नेसेसरी और सफिशियंट कंडीशन से ही कहते हैं. ये मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर प्रूव कर चुकी हूं कि अगर आपको कोई सब ग्रुप दे रखा होता है तो ये कंडीशन होल्ड करती है. हमने ये भी नेसेसरी और सफिशियंट कंडीशन एक थ्योरम के अंदर प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करी थी कि अगर आपको ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, दो एलिमेंट्स अगर आप एच में से लेके चलते हो, कोई भी दो एलिमेंट अगर आप चूज करते हो, और फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड का अगर इनवर्स वापस से एच को बिलोंग कर जाता है, तो स्टूडेंट एच आपका क्या हो जाता है, सब ग्रुप हो जाता है किसी ग्रुप जी का जो आपको वहां पे ग्रुप दे रखा होगा. तो स्टूडेंट ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है. तो स्टूडेंट क्या है कि सब ग्रुप से रिलेटेड मैंने काफी थ्योरम्स आपको करा रखी हैं, एग्जांपल्स वगैरह भी कराए हुए हैं प्रीवियस वीडियोस में, डेफिनेशन के साथ आपको कराया हुआ है, और नेसेसरी और सफिशियंट कंडीशन भी मैं करा चुकी हूँ. कुछ कंडीशंस मैंने वहां पे आपको कराई थी, तो उनका कुछ यूज मैंने यहाँ पे इस थ्योरम के अंदर भी किया है. तो स्टूडेंट मुझे लगता है आपको ये वीडियो काफी अच्छे से समझ में आई होगी. बस मेन पॉइंट क्या है कि जो एच इनवर्स है वो कलेक्शन अगर आपको समझ में आ जाता है तो इस लेक्चर के अंदर आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है. और स्टूडेंट आप मेरी जो सब ग्रुप से रिलेटेड अगर आप मेरी और भी जो वीडियोस हैं वो डिटेल में अगर देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं. तो स्टूडेंट जो आने वाली अगर मेरी जो वीडियोस हैं उसके अंदर भी मैं ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करती रहूंगी. थैंक्स.